आज जो हमारी छत का फिनिशिंग का काम है वो होने वाला है और हमारे भाई लोग सुबह ही पहुंच गए हैं। सीधा ऐसे कैसे बोले, मैं मर गया था। मेरा सांस फूल गया था। मैंने कहा जो खाना है वो माँ कंडे में लेके जा रही है, जो परिसर कुकर है वही पूरा उठा के लेके जा रहे हैं। तो उसे बताया, अरे आजे यहाँ तक रेलिंग हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है और माँ की जो ख्वाहिश थी कि यहाँ पर एक गेट भी लगना चाहिए छोटा सा, हमारे घर के आगे जो बेल थी उससे निकाली है और पहली ककड़ी इससे हमने निकाली है। सबसे बड़ी टेंशन तो वही है, कोदा जमरा आ जाएगा नहीं आएगा। चलो आ गया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। छोटे बच्चे होते तो हम पकड़ के ले जाते, चलो जी अब बुढ़े आदमी को क्या बोलना है हमने। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। फिर बोल गई। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9 बज रहे हैं, एक बार फिर अपनी नई मकान की छत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और सुबह सुबह बहुत तेज चमचमाती हुई धूप लगी हुई है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ देखो आज जो हमारी छत का फिनिशिंग का काम है वो होने वाला है और हमारे भाई लोग सुबह ही पहुँच गए हैं और अभी तक यहाँ पर इतना ज़्यादा रेता पहुँचा भी चुके हैं, तो सब लोग लगे हुए हैं नीचे से रेता ऊपर सारने में और बड़ी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि 32 सीढ़ियाँ हैं, वो चढ़ते चढ़ते तो हालत ख़राब हो ही जाएगी और सीढ़ियों के साथ साथ यहाँ पीछे से जो ढलान है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो फिसलने का भी काफ़ी डर है। तो ये आप देखो, यहाँ नीचे कट्टे भर के रखे हुए थे, वहाँ के कट्टे सब साफ हो गए हैं और हमारे मिस्त्री लोगों के साथ साथ आज भाई साहब भी लगे हुए हैं सुबह से। और यहाँ कमलेश बाबू वल कापू और हमारे कमलेश बाबू काफ़ी थक गए हैं, कल चाचा लोगों की छत पे काम था तो वहाँ पूरा कंप्लीट हुआ है, बाकी आज हमारा होगा, तो आज भी काफ़ी जोरों शोरों से काम लगा हुआ है। चलो भाई पहलवान। और यहाँ देखो बापू जी भी पहुँच गए, क्या हाल चाल है, आज ठीक हो? ठीक नहीं हो रहा है। डेली बोले ठीक नहीं हो रहे, ठीक नहीं हो रहे, हो ही रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत टाइम हो गया। चलो ना हॉस्पिटल चलो, इतने जुखाम के लेके आ जाना है। कितने दिन हो गए? एक हफ्ते से ऊपर हो गया, छोटी चीज कभी बड़ी बन सकती है। चलो अभी चलो हॉस्पिटल, देखते हैं। पापा के हमेशा वही बहाने, शाम को बोलते हैं कल चलेंगे और सुबह होती है, तो अब छोटे बच्चे होते तो हम पकड़ के ले जाते, चलो जी अब बुढ़े आदमी को क्या बोलना है हमने। वो भी बात रे, बड़ी दिक्कत है। और सामने मैं आपको दिखाऊं तो आज सुबह सुबह भी ये आप देख सकते हैं हिमालय पर्वत के ऊपर काफी धुंध और काफी बादल हैं, तो थोड़ा बहुत चौखम्बा पर्वत देखने को मिल रहा है, बाकी हिमालय देखो पूरा ढका हुआ है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पहाड़ियाँ देखने को मिली है, लेकिन क्लियर हिमालय आज भी आपको और हमको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ ऊपर देखिए पूरा आसमान नीला है, बस वहीं पर बादल देखने को मिल रहे हैं और यहाँ भोजपुरी गानों के साथ साथ हमारे बिहारी भाई लोग लगे हुए हैं अपना दमखम दिखाने में। ओह कमलेश बाबू, ए बहुत भारी आ गया आज। तो छत पे फिनिशिंग का काम आज होने वाला है, तो पूरी छत खाली की जा रही है, तो अभी मैंने और बापूजी ने ये देखो सारे पाइप यहाँ रखवा दिए हैं, बाकी छत पे और भी बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है तो वो भी नीचे करना पड़ेगा, जैसे तख्ते तुख्ते तो वो भी मुझे पीछे पकड़ने पड़ेंगे। तो मिस्त्री लोग और बाकी भाई साहब माँ बापू जी सब लोग वहाँ पर लगे हुए हैं और मेरी तो हमेशा इधर उधर भागने की ही ड्यूटी लगी रहती है, तो मुझे अभी रोड पे जाना है, वहाँ से कुछ राशन भी लेके आनी है, चीनी आपने कल लास्ट वीडियो में देखा कि हम गुड़ वाली चाय पी रहे थे तो चीनी भी लेके आनी है और चीनी तो कुछ ज़्यादा ही चाहिए क्योंकि हमारे मिस्त्री लोग ज़्यादा मीठी चाय पीते हैं, तो उसी के लिए मैं जा रहा हूँ और बाकी दो चार और सामान भी है, तो सारा जो सामान है वो लाने का, तो जितना भी सामान है उसको लेने की जो जिम्मेदारी है, जो ड्यूटी है वो मुझे मिली है, तो मैं फटाफट रोड से चलता हूँ, बाकी यहाँ पर भी अभी मेरा काम होगा तो वापसी भी जल्दी जल्दी आना है। बाकी सुबह सुबह हमारा खूबसूरत सा गांव धूप में कुछ ऐसे चमक रहा है और यहाँ पर ये हमारा प्यारा सा घर।
तो मैं रोड पे पहुंच गया हूँ और स्क्रीन पे देखिए जो यहाँ पर रेते का बड़ा सा ढेर था वो पूरा खाली हो गया है। तो आज हमारे खसर वालों भाइयों ने मतलब सब सार दिया है, बाकी अब जब आएगा तब आएगा। फिलहाल ये बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि रोड पे सामान बिखरा हुआ है और बारिश आएगी तब दिक्कत, क्या पता कभी चोरी भी हो जाए वो भी दिक्कत, तो बहुत सारी समस्याएँ रहती हैं। लेकिन जब यहाँ पर ऐसा खाली दिखता है ना तो बड़ा सुकून मिलता है कि एक चीज़ यहाँ से सारी उठ गई है। बाकी अब आने वाले टाइम पे तो फिर मंगाना पड़ेगा, टाइल लगाएंगे तो उसके लिए रेता बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए मंगाएंगे। फिलहाल जो अभी काम चल रहा है वो पूरा हो जाए। तो अभी जो भी सामान था उसको लेके मैं वापसी पहुंच चुका हूं घर पे, और जो सामान है वो माँ के पास मैंने यहाँ पर फटाफट दिया क्योंकि मुझे दूसरी ड्यूटी पे लगा दिया है। यहाँ पर छलनी मैंने लगा दी है तो कुछ रेता छानने और ऊपर काम चालू हो गया है, तो वहाँ पर रेता कभी भी कम पड़ सकता है, उससे पहले छान के रखना पड़ेगा, तो फटाफट वही छानने का काम मैं कर लेता हूँ। और मेरी ड्यूटी यहाँ घर आने की थी और भाई साहब अभी अभी रोड पर गए हैं, और अभी माँ देखो दो दो थर्मस लेके पहुँच चुकी है। क्या करें, एक पे तो पूरा नहीं हो रहा है, तो फटाफट अब थोड़ा चाय पी लेते हैं। धूप भी बहुत तेज़ है लेकिन बिना चाय के तो हमारा काम ही नहीं चलता है। विनोद यहाँ कहाँ है? विनोद रोड पे चले गए। और छत पे जो काम है वो आप देख सकते हैं लगा हुआ है, आधी छत लगभग उस साइड से होने वाली है, बाकी और मसाला यहाँ पर तैयार हो रहा है। और भाई साहब तेंदुए की चाल में गए और वापसी भी आ गए। और इधर बापू जी, आपका भी मन नहीं कर रहा नहीं घर में रहने का? मैं भी देख लेता क्या हो रहा है। तो खबर तो बात चावल बना दिया मैंने, चावल तो खाना बन गया लेकिन मिस्त्री लोग लगे हुए हैं तो खाना तभी खाएंगे बल जब ठीक ठाक काम निकल जाएगा, क्योंकि मौसम का भरोसा नहीं है, अभी तो मौसम बड़ा प्यारा हो रखा है। और यहाँ देखो हमारे रेलिंग वाले भेजी भी पहुँचे हुए हैं और आज लगभग काम फिनिश हो ही जाएगा। पिछले 3 दिन से बोल रहे फिनिश हो जाएगा। हाँ पर चलो आज मेरे को भी लग रहा है निपट ही जाएगा, बस लाइट साथ होनी चाहिए। और माँ यहाँ पर बोल रही है एक छोटा सा गेट बनाना है तो उसमें टाइम लग रहा है, नहीं तो ये भी निपट ही गया था लगभग। तो अभी हम आए हैं घर पे क्योंकि मिस्त्री लोगों के लिए हमने सबके लिए खाना बना रखा है, क्योंकि आज छत का काम पूरा कंप्लीट होना चाहिए तभी जाके मतलब सही होगा। 2 दिन अगर ले जाएंगे तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, मसाला बर्बाद हो जाएगा, तो मिस्त्री लोगों के लिए हमने खाना बनाया हुआ है। तो अभी खाना लेने के लिए मैं पहुँचा हूँ और साथ साथ में मेरे हाथ में आप देख सकते हैं तो ये प्यारी सी ककड़ी हमने हमारे घर के आगे जो बेल थी उससे निकाली है, और पहली ककड़ी इससे हमने निकाली है, और ये हमने निकाली है जो हमारे रेलिंग वाले मिस्त्री हैं उनके लिए, क्योंकि जो हमारे डेली जो प्लास्टर वाले मिस्त्री हैं तो वो मतलब काफ़ी ककड़ियाँ खा चुके हैं लेकिन ये पहली पहली बार आए हैं, और आज उनका जो काम है वो लगभग कम्प्लीट होने वाला है और वो कुछ टाइम के बाद चले जाएंगे, तो उनके लिए पहाड़ की एक स्वादिष्ट जो ककड़ी हमारे गाँव की वो हम देंगे। बाकी ये देखो जो खाना है वो माँ कंडे में लेके जा रही है, जो परिसर कुकर है वही पूरा उठा के लेके जा रहे हैं, साथ साथ में अचार उचार माँ ने रखा हुआ है तो ये ककड़ी भी इसी में डाल देते हैं। ये रखें, मेरी जरूरत भी है वहाँ। तो मैं आया था लेकिन माँ ने बोला मैं कंडे में ही ले जाती हूँ वह सब चीज़ें, हाथ पे मतलब ले जाने में काफ़ी दूर है ना, तो चलो माँ ही सारा सामान लेके जा रही है, तो सारा जो खाना है प्रेशर कुकर सहित दाल दूल वो चले गई है। बाकी यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो बापू जी हमारे लिए नहीं बचा आज खाना, पूरा नीचे चला गया 5 लीटर का। हाँ अब मैं 3 लीटर के प्रेशर पे रख रहा हूँ अपने के। चलो अपने लिए नहीं बनाया था, कोई बोला कि खाएंगे हमने, कोई बोला नहीं खाएंगे, है ना, रेलिंग वालों ने बोला कि हम नहीं खाएंगे, अभी तैयार हो गए, टाइम हो गया ना,
तो इसलिए जो है मैं रख रहा हूँ। तो वैसे बापूजी ने हमारे लिए भी खाना बनाया था, लेकिन रेलिंग वाले भाई लोगों ने जाना कि हमारा काम जल्दी निपट जाएगा, तो इसलिए उन्होंने बोला हमारे लिए खाना मत बनाना। लेकिन अभी काफ़ी टाइम हो गया है, खाने का टाइम हो गया, तो वो तो फिर भी मना कर रहे थे, लेकिन अच्छा नहीं लगता है कि खाने का टाइम हो गया और एक मिस्त्री वहाँ पर खाना खाएंगे और एक मिस्त्री काम करेंगे। तो हमने बोला जितना भी हो खा लेना, इसीलिए प्रेशर कुकर ही वहाँ नीचे चले गया। तो वैसे भी सुबह से हैवी काम कर रहे थे ना, जो छत पे टी करने का काम है उसमें काफ़ी मतलब हालत ख़राब हुई, तो प्रेशर कुकर दे दिया है, जितना खाना खाएंगे खाएंगे, नहीं तो फिर बच जाएगा तो उसको देखेंगे क्या करेंगे। तो हमारी तरफ से तो हम कोई कमी नहीं करेंगे। ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं बहुत जल्द हैं। चलो ठीक है भाई, भाई टाटा, फिर मिलेंगे। तो रेलिंग का जो हमारा काम है वो आज जाके पूरा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर माँ अब इस पे वो लगा दो पेंट, ये क्या बोलते हैं, प्राइमर। खुश हो काम से? खुश, पैसे खुश क्या हो ना, पैसा तो अलग है, काम अलग होता है। ठीक हुआ काम? ठीक है। तो चलो रेलिंग हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है, और माँ की जो ख्वाहिश थी कि यहाँ पर एक गेट भी लगना चाहिए छोटा सा, वो भी लग गया है। बाकी जोड़ जोड़ कर दिया, हाँ वो जॉइंट जो जितने भी पाइप मतलब ख़राब हो रहे थे उन्होंने सब लगा दिए टुकड़े टुकड़े, कुछ बचे होंगे उतने तो चलते ही हैं, पर भाई लोगों ने काम काफ़ी अच्छा किया, बढ़िया लगा हमको। बाकी इस पर अभी हमारा दूसरा काम है, प्राइमर अभी लगवा देंगे, बाद में पेंट पुंट होता रहेगा क्योंकि बहुत जगह वेल्ड हुआ है ना, तो उस जगह पर प्राइमर कर देते हैं जिससे कि जंग ना लगे। वैसे जो पाइप है ये अच्छा वाला है, इतनी जल्दी जंग नहीं पकड़ता है। जगह ठीक हो रही आने जाने के लिए? कंडी आ गई, तो माँ ने सबसे पहले चेक किया कि कंडी आ रही है कि कंडी नहीं आ रही है, अभी दिखाएगी माँ। ये देखो माँ ने पीठ पे कंडी लगा दी, बाकी ये देखो कंडी कहीं अटक नहीं रही है, सीधे सीधे जा रही है, लग रहा था कम होगा लेकिन नहीं हुआ। चलो भाई सबसे बड़ी टेंशन तो वही है, हैं? कोदा जमुना आ जाएगा नहीं आएगा। चलो आ गया, बहुत बहुत बधाई हो आपको, धन्यवाद। चलो खाना खा लेते ना, चलो पहले ही कहाँ से खाना था। और अब ये कट्टा भी देखेंगे हम, कट्टा भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कंडी आ रही है तो कट्टा भी चले जाएगा। क्यों बाबू भाई? तो भाई साहब आज बहुत ज़्यादा मेहनत का काम हो गया इनके लिए, क्योंकि वहाँ से पूरा यहाँ लाना है और यहाँ से पूरा ऊपर छत तक पहुँचाना है। हाँ वो लटक इसलिए रहा है, उस पर भी मसाला पड़ेगा, जब हमने यहाँ पर एक खुदाई कर रखी है ना थोड़ा थोड़ा, ये देखो तो यहाँ मसाला पड़ेगा तो फिर ठीक हो जाएगा, सब जगह ऐसा ही है। चलो तब घर चलो, भूख लगी। हेलो चाची, क्या हाल चाल, कैसा हो रहा है काम? हा? काम कैसा हो रहा है? डन हो रहा है काम। पक्की बात? हाँ। ये कहाँ जा रही है सूखी कंडी? अरे ये सूखी कंडी नीचे ले जा रहा ना बैलों के लिए पतला। ओह क्या होगा उसका? अब तूने बोला मैं मर गया था वहाँ पे, तूने बोला कि भैंस ने केला तोड़ दिया। नहीं तोड़ा था ना, भाभी ने बोला मेरे को। अरे कहाँ तोड़ा था? अरे मेरे भाभी ने बांध दिया होगा ना तब तक। हाँ क्यों नहीं, सीधा ऐसा कैसे बोले मैं मर गया था? हाँ ये मन मेरा सांस फूल गया था, मैंने कहा कि भैंस जब गिर नीचे गड़े गिर जाता। भाभी थी वहाँ पे, भाभी भाभी ने बोला। खाली गप मारा इन्होंने, ये गप ही मारता है, ये गप ही मारता है। ऐसे गप मत माया करो यार, तुम्हारे सामने बैठा उन्होंने बोला ये गुड़ी चापी लो। चलो होता रहता है कभी कभार, कभी कभी जब मैं मर जाता तब तो कभी कभी क्या होता, तब हमेशा के लिए हो गया था। मैं तुम्हारे सामने पूछूंगा उनसे। हाँ बाय गॉड, तुम्हारे सामने पूछूंगा, ठीक है। चलो तब लगे थे। हाँ,
चलता हूँ तो देखी जाए क्या होता क्या नहीं होता। कहाँ तक जाते हैं? अरे ये खाली कब सुना था यहाँ, बता बता कहाँ जा रहा है? आइए आइए, स्वागत है आपका। धन्यवाद। चाय क्यों? तो बापू जी चाय लेके आ रहे हैं, काफी लेट हो गई। गिमटोली से ले, इतना थर्मस उबालना पड़ता है बाबू, बनाना पड़ता है, ऐसा बनी बुनी थोड़ी मिलती है। कहाँ से आए? बस सुने गिमटोली जा रहे चाय लेने के लिए। हाँ लाला जी से लाए वहाँ गिमटोली से, हमारा पुराना मार्केट है। ऐसा करो तुम दोनों निकालो, ढक्कन है तो उसमें इनको भी दे दो बाहर। आप मैंने पी लो। तो अभी तक हम जो रेता छान रहे थे वो देखो कट्टों में भरने का काम जो है वो चालू हो गया है, और भाई साहब को तो शायद थकान ही नहीं लगती है। तो हमारे मिस्त्री लोगों के साथ भाई साहब भी कट्टे सारने का काम कर रहे हैं। बाकी ये देखो छानने के बाद यहाँ पर इतना ये बच रहा है, क्योंकि छत के लिए बिल्कुल बारीक वाला चाहिए, तो हम बारीक जाली से छान रहे हैं। और यहाँ देखो जो काम है वो लगभग आधी छत हो गई है, यहाँ भी हो गया, लेकिन यहाँ बीच बीच में थोड़ा दब रहा है तो उसको सही कर रहे हैं। और माँ और बापू जी रहा नहीं जा रहा है घर पे, इसीलिए सीधे छत पे आ रहे हैं। घर पे रहेंगे तो हम काम कौन करेगा? नहीं नहीं, यहाँ क्या काम है, वहाँ जब बोल रहे हैं वहाँ जाना नहीं है। बल क्यों जा रहे हो? वो जा रहे हैं तो जहाँ पे जा रहे हैं वो सीधे बंद कर रहे हैं। आ जाओ नीचे, उनको काम करने दो। तो ये वाला एरिया भी कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद ये वाला बच रहा है लास्ट। तो बाहर हो गया है अंधेरा और माँ और मैं बैठे हैं पहाड़ी किचन हट्टी में। किचन की बारी आ गए, परसों तक तो हम यहाँ अंदर बैठ नहीं सकते थे, इतना ज्यादा गर्म था, और आजकल बाहर ज्यादा हो गए, भीतर आ गए, उतना ज्यादा भी नहीं है पर ज्यादा हो रहा बाहर। और आज माँ स्पेशल हमारे लिए बना रही है क्या? खीर। वैसे हमारी भैंस दूध नहीं देती है, लेकिन खीर बनाने के लिए दूध खूब हो रहा है। थोड़ा बहुत दे दिया, थोड़ा हमारा लगा हुआ है, थोड़ा किसी और ने भी दे दिया। तो माँ का गोलतिया खाने का बड़ा मन कर रहा था, लेकिन आज गोलतिया नहीं खीर बनानी पड़ी। मैंने सोचा था कणका बनाओ, कणका। अच्छा कणका। तुमने तुमने बोला कि खीर बनाओ, पापा ने मना नहीं किया कणकों के लिए? पापा ने सब के पापा ने बोला मेरे को रोटी बनाओगा। अब पापा के लिए रोटी बनानी है? रोटी है उसमें, भात है। पासी रोटी खिलाएगी पापा को? जो मर्जी होगी, थोड़ा बहुत सब कुछ खाएगा, थोड़ा थोड़ा करके। चलो क्या आज की वीडियो खत्म कर रहे हैं? क्या करना अब? अभी यहाँ देखो, यहाँ देखो दो मूरी बड़ी मुश्किल से लंगूरू से बचाया, और लंगूरू से बचाया, और यहाँ देख यहाँ तक, यहाँ तक छिलके इधर उधर कर रहे हैं और तब खा रहे हैं। वो किस क्या जिसको बन सारे बोलते हैं चिड़िया, ये लंगूर से बचाया, लंगूर से बचाया बड़ी मुश्किल से, आग से भी बचाया। आग से भी बचाया, ऊपर आग लगी हुई थी और तब ऊपर घाम पे रखे, और आज देखा मैंने, जबकि सुबह दो तीन बार चले गए मैं पीछे गूंदते गूंदते ऊपर की कुत्ता नहीं है यहाँ पे, तो चिड़िया वहाँ खा रही है मूरी को, तो देख सारी खत्म कैसे क्या बोलते हैं। तो मैंने आपको कुछ टाइम पहले मुंगरियां दिखाई थी और बताया था कि ये बीज के लिए रखी हुई है और आग से ये जल गई है, तो आग से तो थोड़ा बहुत बच गई, लेकिन उसके बाद आग से तो ये बाहर का फूका होगा, ये थोड़ी फूका है। तो मतलब ठीक ठाक मुंगरी हमने सुखाने के लिए फिर छत पे रख दी थी, लेकिन हमको क्या पता था कि छत से भी जो ये चिड़िया होती है जिनको माँ बणसरा बोल रही है, तो वो कुछ ऐसा हाल कर देंगे मुंगरियों के। मुंगरियों के ये एक छोटी पक्षी है, बीज रखेंगे हम कहीं भी आंगरे में रखेंगे तो वो बीज खा देते, कद्दू के ककड़ी के कुछ भी बीज रखेंगे बीज के लिए तो वो खा लेंगे अंदर, पता नहीं क्या बन सारा ये कर रहे हैं, क्या करेंगे क्या हाँ से बचाएंगे।
पहले तो हवा ने तोड़ा, तब मूंग तब हवा से बचाया थोड़ा बहुत बांध बुन के, तब उसके बाद लंगूरों से बचाया बड़ी मुश्किल से, अब फिर ऐसा हाल कर दिया। चलो होता रहता कभी कभार ऐसा, अब आने वाले टाइम पे ऐसे ही होगा। ये चाची बोले थी कि लीला चाची वाले घसारे कि बीज के लिए मेरे लिए रखना रखना, मैंने उसी दिन बोल दिया था, हम दो मुंगरी थी कुल, दो मुंगरियों का भी हाल कर दिया, दो भी कैसे रह गए क्या। चलो फिर तब क्या कर सकते हैं, फिलहाल अब फिलहाल आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, लाइक करो सब्सक्राइब करो। फिर बोल गई लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो। ओह आ गया वीडियो, शेयर करो और बाय बाय टाटा।